ये दुख दिन की कहानी सिया से शुरू होती है, जिसकी शादी जोरों शोरों से चल रही थी, पर दूल्हे ने अहम मौके पर किसी और लड़की से शादी कर ली। सिया अपने माता पिता के मरने बाद अपने चाचा चाची के साथ रहती तो जरूर थी, पर उसके चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे और इस शादी के जरिए वो उसे छुटकारा पाना चाहते थे। पर जब उन्हें दूल्हे के इस करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना सिया को अपने घर से निकाल दिया। सिया रास्ते में बहुत रो रही थी, तभी वहां से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे। मास्टर जी ने सिया को इस गंभीर हालत में देखा और पास पहुंचे। सिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर मास्टर जी ने सिया को अपनाने और उसे अपने घर में रखने का सिद्धांत लिया। पर मसला यही हल ना हुआ, घर में जवान बेटे थे तो सिया एक जवान लड़की होते हुए यूं ही किसी के घर रह नहीं सकती थी, इसलिए सामाजिक पन्नों को ध्यान में रखते हुए मास्टर जी ने सिया की शादी अपने बड़े बेटे सुमेध से करा दी। पर सुमेध सिया को अपनी पत्नी का स्थान देने से अस्वीकार करता है। क्या हमेशा प्यार से नदार रही सिया को सुमेध का प्यार मिलेगा? आखिर क्या नया मोड़ लेंगी इनकी जिंदगियां? दूल्हे ने अहम मौके पर किसी और लड़की से शादी कर ली। सिया अपने माता पिता के मरने बाद अपने चाचा चाची के साथ रहती तो जरूर थी, पर उसके चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे और इस शादी के जरिए वो उसे छुटकारा पाना चाहते थे। पर जब उन्हें दूल्हे के इस करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना सिया को अपने घर से निकाल दिया। सिया रास्ते में बहुत रो रही थी, तभी वहां से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे। मास्टर जी ने सिया को इस गंभीर हालत में देखा और पास पहुंचे तो उन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना सिया को अपने घर से निकाल दिया। सिया रास्ते में बहुत रो रही थी, तभी वहां से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे। मास्टर जी ने सिया को इस गंभीर हालत में देखा और पास पहुंचे तो उन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना सिया को अपने घर से निकाल दिया। सिया रास्ते में बहुत रो रही थी, तभी वहां से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे। मास्टर जी ने सिया को इस गंभीर हालत में देखा और पास पहुंचे। सिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर मास्टर जी ने सिया को अपनाने और उसे अपने घर में रखने का सिद्धांत लिया। पर मसला यही हल ना हुआ, घर में जवान बेटे थे तो सिया एक जवान लड़की होते हुए यूं ही किसी के घर रह नहीं सकती थी, इसलिए सामाजिक पन्नों को ध्यान में रखते हुए मास्टर जी ने सिया की शादी अपने बड़े बेटे सुमेध से करा दी। पर सुमेध सिया को अपनी पत्नी का स्थान देने से अस्वीकार करता है। क्या हमेशा प्यार से नदारद रही सिया को सुमेध का प्यार मिलेगा? आखिर क्या नया मोड़ लेगी इनकी जिंदगियां? पर दूल्हे ने अहम मौके पर किसी और लड़की से शादी कर ली, पर सुमेध सिया को अपनी पत्नी का स्थान देने से अस्वीकार करता है। क्या हमेशा प्यार से नदारद रही सिया को सुमेध का प्यार मिलेगा? आखिर क्या नया मोड़ लेंगे इनकी जिंदगियां? क्या हमेशा प्यार से नदारद रही सिया को सुमेध का प्यार मिलेगा? आखिर क्या नया मोड़ लेंगे इनकी जिंदगियां?